नमस्कार, मैं चेतना, चेतनाज न्यू किचन में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम मतलब तला और चटपटा खाने का मौसम, और अगर उसमें कोई भुट्टे का नाम ले दे तो फिर बात ही क्या। तो आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म भुट्टे के पकौड़े। अगर आप भुट्टा खाना पसंद करते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा गर्मा गर्म चाय के साथ भुट्टे के पकौड़े। बारिश का मज़ा दुगना हो जाएगा। भुट्टा हम बहुत तरह से खाते हैं। कई लोग तो भून के खाते हैं, उबाल के खाते हैं या फ्राई करके खाते हैं दाने, लेकिन मैं आज आपको भुट्टे के दाने के पकौड़े बनाना बताऊंगी। ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी बनते हैं। तो सबसे पहले हम भुट्टे को इस तरह से छील लेंगे, इसका कवर निकाल लेंगे, जो भी पत्ते हैं उसे अलग कर देंगे और भुट्टे को धोकर इस तरह के दाने हम निकाल लेंगे। हमें ताज़े भुट्टे लेने हैं, तो मैंने ये 2 किलो भुट्टे लिए हैं। अब हम इन्हें मिक्सर में बिना पानी डाले पीसेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह का दरदरा पेस्ट बना लिया है। अगर आप थोड़ा स्मूथ पेस्ट बनाएंगे तो पकौड़े अच्छे बनेंगे, लेकिन अगर इस तरह का थोड़ा दरदरा रखेंगे तो जिसमें थोड़े दाने आएंगे आपके मुँह में पकौड़ा खाते समय, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह का पीस के बनाइए, बहुत टेस्टी पकौड़े बनेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे मीठा नीम। आप हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने मीठे नीम के पत्ते लिए हैं, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। प्याज, हरी मिर्ची सभी को बारीक काट लेंगे या चॉपर में चॉप कर लीजिए, और इसको मिला देंगे हम पेस्ट में। आप अगर प्याज नहीं यूज़ करना चाहते तो इसको स्किप कर दीजिए। अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। तो मसाले में मैं मिला रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, सौंफ, हल्दी, हींग और नमक। आप चाहें तो इसमें साबुत धनिया थोड़ा सा कूट के डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। नमक स्वाद अनुसार यूज़ करेंगे और हल्दी कलर के लिए। हींग भी हमने हेल्थ की दृष्टि से डाली है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और इसकी खुशबू और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद मिलाएंगे इसमें हम बेसन। तो बेसन मैं 2 से 3 चम्मच मिला रही हूँ, टेबल स्पून करीब, 2 से 2.5 किलो भुट्टे में। थोड़ा बहुत बेसन ज़्यादा हो जाए फिर भी पकौड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तो उसका बेसन का स्वाद ज़्यादा आएगा और भुट्टे का कम, इसलिए मैंने आपको ये रेशो बताया है। और इस तरह का शेप देके हम गर्मा गर्म ऑयल में इसे तलेंगे। आप मनचाहे शेप में भी तल सकते हैं या इससे और छोटा पकौड़ा भी बना सकते हैं, पर मैं आपको इजीली बता रही हूँ जो आसानी से बन जाए। ऑयल को गर्म कर लीजिए, ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है, और इतने गर्म ऑयल में ही हमें पकौड़े ट्रांसफ़र करने हैं। जब हम सारे पकौड़े ट्रांसफ़र कर देंगे, जितने भी इस ऑयल में आ जाएंगे उतने पकौड़े हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसके बाद हम गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे। तो देखिए, हमने सारे पकौड़े ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब हम हल्का सा गैस को तेज करेंगे और पकौड़े तलेंगे। तो जब पकौड़े इस तरह के तल जाएंगे, उसके बाद हम वापस गैस को थोड़ा और तेज करेंगे और इनको क्रिस्पी कर लेंगे बिल्कुल। आपको जितने करकरे खाने हैं उतने करकरे कर लीजिए, क्योंकि भुट्टे के पकौड़े बहुत जल्दी पकते हैं, अंदर से ये कच्चे नहीं लगते। हमने बेसन बहुत कम मात्रा में मिलाया है और भुट्टा बहुत जल्दी पक जाता है। तो अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे और मनपसंद तरीके से सर्व करेंगे। तो मैं आपको सर्व करने का तरीका बता रही हूँ। ये मैंने भुट्टे के पत्ते लिए हैं, उसको प्लेट पे इस तरह से बिछा दीजिए और गर्मा गर्म पकौड़े चाय के साथ या चटनी सॉस के साथ आप सर्व करिए और बारिश का आनंद लीजिए। ये बहुत जल्दी बनते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं,
और बारिश के मौसम में सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप बेसन के पकोड़े खाते हैं या और किसी तरह के वेज पकोड़ा, प्याज पकोड़ा, या हम आजकल सूजी के पकोड़े भी बनाते हैं, लेकिन एक बार आप इसको ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको कैसी लगी। तो कितना सॉफ्ट पकोड़ा बना है और करकरा भी है। तो आप भी बनाइए, सबको खिलाइए, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।